हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे एम आर रेडमी के 30 प्रो में और एम आर रेडमी के 20 प्रो में, और जानेंगे दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले से। तो एम आर रेडमी के 30 प्रो की डिस्प्ले है 6.67 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल, और इसमें अनमोल डिस्प्ले का यूज किया गया है। बात करते हैं एम आर रेडमी के 20 प्रो की डिस्प्ले की, तो इसमें 6.39 इंच की डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल, और इसमें अनमोल डिस्प्ले का यूज किया गया है। डिस्प्ले के मामले में के 30 प्रो आगे निकल जाता है के 20 प्रो से। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो एम आर रेडमी के 30 प्रो का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 865 का, सीपीयू है 2.84 GHz ऑक्टाकोर का, और इसमें 7 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और उसका जीपीयू है 650 का। बात करें एम आर रेडमी के 20 प्रो के प्रोसेसर की, तो इसमें स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर दिया हुआ है, सीपीयू है 2.84 GHz ऑक्टाकोर का, और इसमें 7 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और उसका जीपीयू है 640 का। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो के 30 प्रो का है एंड्रॉयड 10 पाई का, और के 20 प्रो का है एंड्रॉयड 9.0 पाई का। बात करें बैक कैमरे की, तो के 30 प्रो का बैक कैमरा क्वाड में ही 64 MP+, 13+, 5+, 2 MP का, और के 20 प्रो का ट्रिपल है 48 MP+, 13+, 8 MP का। बैक कैमरे के मामले में के 30 प्रो आगे निकल जाता है। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो दोनों का सेम है 20 MP का। बात करें बैटरी की, तो के 30 प्रो की बैटरी है 47 mAh की, और के 20 प्रो की बैटरी है 4000 mAh की, और दोनों फोन में बैटरी टाइप्स नोनेबल है, दोनों की बैटरी का आप निकाल सकते हैं। बात करते हैं चार्जर की, तो एम आर रेडमी के 30 प्रो का चार्जर है 33 वाट का, और के 20 प्रो का है 27 वाट का, और दोनों फोन में टाइप सी का सपोर्ट मिलता है आपको, और दोनों में ही 3.5 जैक दिया हुआ है। बात करते हैं ग्लास की, तो दोनों फोन में गोरिल्ला ग्लास है 5 प्रोडक्ट से बना हुआ है, बैक साइड भी है और फ्रंट साइड भी, और दोनों फोन में आप सिर्फ 2 सिम डाल सकते हो। फिंगरप्रिंट से तो दोनों फोन में दिया हुआ है, फेसियल भी दोनों फोन में है। बात करें रैम की, दोनों फोन में सेम है 6 GB और 8 GB की है, और बात करें मेमोरी की, तो दोनों फोन में सेम है 128 GB और 256 GB की। बात करते हैं कंक्लूजन की, तो आपको एम आर रेडमी के 30 प्रो में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर, और 64 MP क्वाड कैमरा है, और 33 वाट का फास्ट चार्जर है, और 47 mAh की बैटरी मिलती है, और एम आर रेडमी के 20 प्रो में आपको लेस प्राइस मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो के 30 प्रो का प्राइस है एक्सपेक्टेड 30,000 रुपये होने वाला है, 32,000 भी हो सकता है, और के 20 प्रो का है 6 GB 128 GB का 24,999 रुपये, और 8 GB 256 GB का प्राइस है 27,999 रुपये। के 30 प्रो का इंडिया में आएगा, तो ये हो सकता है पोको F2 के नाम से आए, तो आप देख लेना उसकी जो प्राइस होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, एक बार जाके देख लेना। आप बताइए कि आपको दोनों फोन से कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा।